হচ্ছে প্যাড থাকবে, প্যাড থাকবে উপরে পুরি অ্যান্সার মান तो सही बड़ा तार की खोट कटे हो गए Thank you.
श्रीमान जयराम जयराम यादव जी आ गया। अब मैं सभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कि वो माननीय सांसद जी को नेपाली टोपी खादा रुद्राक्ष माला एवं 53 बैग लगाकर स्वागत करें। श्रीमान
स्वर्गीय अशोक जी गंगवानी की श्रीमती बहन ममता एवं दीक्षा, भाई गोरा गंगवानी की ममता मई माता जी सरला देवी गंगवानी के आज 30 दिनों की तपस्या का विमान है। आगे 33 दिनों का मास श्रम करने का भाव है। आगे भी आपने काफी तपस्या ही की है, आप तपस्या के मामले में
परिवार से उनके पुत्र प्रभु
बेटियों तब अनुमोदना के तब अनुमोदना बजे किसी का के लिए। और इसके बाद मेरा अनुरोध दादियों की अनुमोदना करने के लिए महिला मंत्री के सभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे चतुर्मास काल के चतुर्मास काल करने को Oh।
राजेश जी थे, अतिथिगण तथा सभा समाज साधक जी थे, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो तपस्या का अमृत रस पान करते हैं और आपके परिवार के सदस्यों को जिन्होंने आपको घोषणा हिम्मत प्रदान किया है, भाग्यशाली है हम सभी। हम आपकी तब ऐसी भावना पाते हैं और आपके सुस्वास्थ्य की मंगल भावना करते हैं। अब मैं 13 परिषद के सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा आगे आए और अपनी अनुभूति का पेश करें।
करने में
और इसके पश्चात मेरा अनुरोध तैयार है धनवानी परिवार की तरफ से शामिल हमारे परिवार में तपस्या की बहार छाई है। मेरी बड़ी माँ श्रीमती सरला देवी लावाले माँ सुमन से अग्रसर है। मेरी भाभी हिमलता लावाले के साथ ही तपस्या में आगे बढ़ रही है और मेरा भाई बड़ा भाई काठमांडू में निश्चल लावाले की सह की तपस्या के साथ आगे बढ़ रहा है। तो पूरा परिवार आज तपस्या की इस घड़ी में हर्ष विभोर है। मैं चाहूंगा कि सभी लावाले परिवार आए और तपस्या सरला आगे बढ़ते
अपना वोट लेने के लिए आदमी को
नेपाल को भी
भगवान अपने पुरखाओं से जो हम लोगों ने सीखा है इस चीज को हम आप सभी मान कर चले और आज के डेट में चाहे आदमी का मसला हो धार्मिक हो सांस्कृतिक हो राजनीतिक है नेपाल बोलते हैं इन सभी में सबसे ज्यादा देन आप लोग का मारवाड़ी समुदाय का है। मैं खास करके अब यहाँ को एक भाई लोग सब दुआ लोग निकल रहे हैं मैं यहाँ पीछे बैठे हैं मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में दूसरों का हम लोग देखा सीखी ना करें। आज के डेट में जितने सारे कमाई हुई कि अभी तक आपका प्रदूषण पकड़ है इतना बड़ा बड़ा आदमी आता है बोलता है पहले खाने पीने का सारा हर व्यवस्था बढ़िया है तो मान लीजिए इस हिसाब से तो चल रहा है। मेरा कहना ये है कि हम लोग खान पान में भी ध्यान दें और हमारे पूर्वजों ने हम लोग को सिखाया है कि जैसे खाओगे मन वैसा होगा मन। इसलिए खान पान बहुत बड़ा चीज है इस चीज में हम लोग को थोड़ा चाहे कंट्रोल रखना होगा। इतना ही रहते हुए सभी किए हैं तब में जो माताएं करते हैं जो कल के दिन में बैठने वाले हैं आप सभी का तब सफल हो आपका जीवन में आप लोगों की कृपा से आपका सभी परिवार का आशीर्वाद बना रहे देश और समाज में शांति छाए रहे। और आचार्य महाश्रवण जी जो कि हमारे परम जो पहले भगवान हमारे महावीर जन्म का कभी तक के जितने उपासक हैं ये सभी का मार्गदर्शन को जो हम लोग सुनते हैं उसको व्यवहार में उतारे ग्रहण करें। यह नहीं कि यहाँ सुन लिए और रोड पे घर में जा करके भूल गए इस चीज को हम लोग नहीं उन लोग जो अमृत वाणी है उनको हम लोग अपने व्यवहार में अपने जीवन में उतारे। इतना ही कहते हुए आप सभी का कब सफल हो और आने वाले दिन में भी जितने भी तपस्वी आप लोग तब करेंगे आप सभी का सफल जीवन का कामना करते हुए हमें भी जो हमारे जब साथी लोग बुला करके आप लोगों के बीच में जो लोग सब करने के लिए मौका दिए इसके लिए मैं बहुत सारे आभार देते हुए विदा होना चाहता हूँ। धन्यवाद। से तब की मांग कर आगे बढ़ते रहे शुभ कामना करते हैं।
अरुणा समिति अध्यक्ष श्री श्याम अधिकारी दिनांक 7 सितंबर 2024 उनका प्रशस्ति पत्र पढ़ने का भी अगर बैठा है तब के इसी क्रम में श्रीमती सलवा देवी लालवानी के भास कवन का कि इसी तपस्या करके आत्म सत्य सभा विराट नगर सतीश कुमार नगर अध्यक्ष श्री जय सत्य सभा विराट नगर श्रीमती संतोष जी इन तपस्वियों ने अपनी आत्मबल को बढ़ाया है, मनोबल को बढ़ाया है और संघ पर केंद्र लगाया है। हमारे यहाँ तपस्या बहुत महत्व रखती है, परम सुख के चार मार्ग हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप। तब आत्मा को उज्ज्वल बनाता है, पूरे संचित कर्मों को जिस द्वारा कम किया जा सकता है। संचित कर्म सब आत्मा के लगे हुए हैं, हम सब अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए तप करते हैं। ये तप का आसपास धन मानस में लगे सब कुछ निष्कर्ष कर सके ऐसी भावना सत्य बनने का हो। इन तपस्या के प्रति हमारी बहुत बहुत मान्यताएं हैं, इनके जीवन में और शुद्ध आते रहे, ये परम सुख की ओर आगे बढ़ते रहे, इसी मान्यता हमें प्रसाद और आज मैं सबसे ज्यादा प्रभावित माननीय श्री जयराम जी शिवराम जीवन चरण उनका हो। सत्य और प्रेसी अरहता मंगलम सिद्धांत मंगलम सामो मंगलम चंदाय आदर 33 को तपस्या मास श्रमण जो यहाँ पर आनी श्रीमती सरला देवी लालवानी को अभिनंदन देवी लाई अगाड़ी बढ़ाने दे रहे का चाहूँ यहाँ बीच उपस्थित संपूर्ण तपस्वी अभिनंदन उपस्थित संपूर्ण नियोग परिषद ने स्वागत करना चाहता है। तपस्विनी बहन सरला देवी लालवानी को स्वास्थ्य को मंगल कामना करते ही Itu saya.